बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। सुल्तानुल औलिया इमामु तफसीर हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह विलायत मारफत का बहुत ऊंचा इमाम है और इल्म तफसीर में अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ा मुकाम आली उनको अता किया था। फरमाया कि मैं इंसान की ज़िंदगी का ख़ुलासा चंद लम्हों में बता सकता हूँ, पूरा का पूरा कुरान करीम हमें क्या कहता है, तर्ज ज़िंदगी हमारा कैसा मुतय्यन करता है, फरमाया कि चंद लम्हों में बता सकता हूँ और वो इतने कम लम्हे हैं कि मैं रेलगाड़ी पर चढ़ूँ, रेलगाड़ी चल पड़े और एक आदमी दौड़ा हुआ आए, मेरा एक कदम रेलगाड़ी के अंदर हो, एक कदम उसके पायदान पे हो, मैंने वो उसका डंडा पकड़ा हुआ है, अभी सवार होने लगा हूँ, एक शख्स दौड़ा दौड़ा है, कहा कि हज़रत ज़रा मुझे बता दीजिए कि कुरान करीम की तफसीर मुझे समझा दीजिए, कुरान क्या कहता है। अब ज़ाहिर है कि इतना 30 पारों का कुरान अब चंद लम्हे में कौन पढ़ा सकता है। मैं और आप तो ये कहेंगे भाई मौली साहब क्या बात करते हो, आप टाइम लें मुझसे, मेरी क्लासेस लें, 2 साल में कोर्स पूरा कराऊँगा। हज़रत फरमाते हैं वो मुझे ये कहे और गाड़ी अभी खरामा खरामा चल रही है तो मैं उसको पूरे कुरान का ख़ुलासा बता दूंगा, और ख़ुलासा कुरान का क्या बताऊंगा, मैं उसको ये कहूंगा कि अल्लाह को राज़ी कर लो उसकी इबादत करके, नबी को राज़ी कर लो उसकी इताअत करके, और फरमाया कि मखलूक को खुश कर लो उसकी खिदमत करके। बस ये कहते पूरी ज़िंदगी का खुलासा है, अल्लाह की इबादत करो, रसूल की इताअत करो और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो। फरमाया भाई ये 3 खुलासा पूरे के पूरे कुरान करीम की तफसीर का खुलासा ये है, जिसे खुदा की इबादत कर ली, जिसे नबी के तर्ज ज़िंदगी पे ज़िंदगी गुजार ली, जिसे अपने जैसे इंसानों की खिदमत कर ली, फरमाया कि दुनिया के अंदर उसके लिए जन्नत का फैसला हो गया। अल्लाह अकबर।